दोस्तों, हम सभी को एफएम रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। चटपटी बातों और गानों के अलावा हमें बहुत सारी जानकारी एफएम रेडियो के साथ मिल जाती है। पर क्या होता है जब एफएम रेडियो आपके पास हो और आप कुछ सुन ही ना पाए? आप लाख कोशिश कर लें पर उसमें घड़घड़ाहट की आवाज के सिवा आपको कुछ और सुना ही ना दे। कुछ यही हाल दोस्तों मेरे साथ हुआ। हाल ही में मैंने एक स्मार्ट टीवी लिया जिसमें एफएम रेडियो था। उसे देख के जैसे मेरी पुरानी ख्वाहिशें और अरमान जाग गए। लेकिन बहुत जल्द ही दोस्तों एफएम रेडियो सुनने की मेरी ख्वाहिश और अरमान दोनों दफन हो गए, जब मेरी लाख कोशिशों के बाद भी उस टीवी में एफएम रेडियो नहीं चला। उस टीवी में लगे एफएम रेडियो को जरूरत थी एक्सटर्नल एंटीना की, जो सिग्नल कैच कर सके। यूं तो ऑनलाइन दोस्तों मुझे बहुत सारे एफएम रेडियो के एंटीना मिले, लेकिन कोई भी ढंग का नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि ये घर के अंदर सही तरीके से एफएम रेडियो के सिग्नल कैच कर पाएगा। दोस्तों, मैं अपने एफएम रेडियो के लिए एक ऐसा पावरफुल एंटीना चाहता था जो घर के अंदर ही काम करे, उसे बाहर ले जाने की जरूरत ना पड़े। घर के किसी कोने में भी रख दूं, वो बहुत अच्छे तरीके से एफएम रेडियो के सिग्नल को कैच करे और बहुत ही क्लियर कट में एफएम रेडियो सुनाई दे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने घर बैठे ही बहुत सारे एफएम रेडियो एंटीना बनाए और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे घर के चीजों का इस्तेमाल करके एक पावरफुल एफएम रेडियो एंटीना बना सकते हैं। और इस पावरफुल एफएम रेडियो एंटीना बनाने का खर्चा दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर है। एक ऐसा पावरफुल एफएम रेडियो एंटीना दोस्तों जिसको आप घर के किसी भी कोने में रख दें, आपको एफएम रेडियो बहुत ही क्लियर कट सुनाई देगा। कोई भी घड़घड़ाहट, सरसराहट या नॉइज आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपके लिए हिंदी में वीडियो बनाऊं और आपसे फीडबैक लूं कि ये हिंदी में वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपके लिए हिंदी में बनाता हूं और आपके फीडबैक का इंतजार करता हूं। दोस्तों, आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे ये जरूर बताएं कि मुझे किस लैंग्वेज में कंटिन्यू करना चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में या दोनों को मिक्स करके। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने वीडियो का टॉपिक हम शुरू करते हैं और बनाते हैं एक पावरफुल एफएम रेडियो एंटीना। इस पावरफुल एफएम रेडियो एंटीना को बनाने के लिए दोस्तों आपको जरूरत है 5 से 10 मीटर कोएक्सियल केबल की, एक 20 फीट वुडन ब्लॉक की, 10 से 12 स्क्रू या नेल, कॉपर वायर या जो भी तार आपके पास अवेलेबल हो और कोएक्सियल केबल कनेक्टर की। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको घर में ही मिल जाएंगी और अगर कोई चीज खरीदना पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा आपको ₹50 का खर्चा आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें रख रखी है, बट इससे घबराइए नहीं, मैं केवल वही चीजें यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें एंटीना कैसे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक वुडन ब्लॉक लेना है और उसके दोनों तरफ हमने 4 मार्क करने हैं बराबर डिस्टेंस पर। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वुडन ब्लॉक ले सकते हैं, बट ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम कोएक्सियल केबल लेंगे और उसको 14 फीट पे नाप करके हम 8 टुकड़े करेंगे। दोस्तों, ये सारे 8 टुकड़े एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। इसके बाद दोस्तों इन 8 टुकड़ों को छील करके अंदर का हमने कॉपर वायर निकालना है। एक बार ये 8 कॉपर वायर दोस्तों हमारे पास आ गए तो इनको हमने 2 बराबर हिस्सों में बांट करके एक ट्रायंगल बनाना है जिसके बीच की दूरी 3 इंच होनी चाहिए। अब इन 8 कॉपर वायर को उस वुडन ब्लॉक की 8 निशान पे लगाते हैं। आप इसके लिए स्क्रू या नेल किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये सारे 8 कॉपर वायर लग जाए तो इनके बीच में कनेक्शन बनाना है। ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कनेक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पीकर वायर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी वायर यूज कर सकते हैं। ऊपर के 2 और नीचे के 2 कॉपर वायर को आपने क्रॉस में कनेक्शन देना है और बीच में स्ट्रेट कनेक्शन देना है। मिडिल वाले को स्ट्रेट में इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि वहाँ से हमने आउटपुट लेना है, वहाँ से हमने अपने टीवी या एफएम रेडियो को कनेक्शन देना है। एक बार ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तो 8 कॉपर वायर से जो ट्रायंगल बना है उसके बीच की दूरी आपने 3 इंच रखनी है। इस चीज को सही तरीके से अरेंज करने के बाद दोस्तों टीवी या रेडियो में इनपुट देने के लिए आप कनेक्शन दे दें। इसके लिए दोस्तों आप कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करें, कॉपर वायर को एक सिरे पे, एल्युमिनियम वायर को दूसरे सिरे पर जोड़ें। कंप्लीट कनेक्शन और एंटीना बन जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। We'll be right back.
तो ये है दोस्तों हमारा पावरफुल यूनिक और सिंपल एफएम रेडियो एंटीना तैयार। ये एक ऐसा एंटीना है दोस्तों जिसको बाहर रखने की जरूरत ही नहीं, घर के किसी भी कोने में रखते ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। लेकिन आप कहेंगे कि क्या प्रूफ है, तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और इस चीज को देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारा एंटीना घर के अंदर रखने पे काम करता है या घर के बाहर रखने पे, और घर के अंदर हम रख रहे हैं तो कितनी दूरी पे रखने पे ये काम करेगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने इस एफएम रेडियो एंटीना को अपने विंडो के पास रखा है जो मेरी टीवी से 3 से 4 मीटर दूर है। टीवी में एंटीना का कनेक्शन दे दिया है, तो चलिए अब टीवी को ऑन करके एफएम रेडियो चेक करते हैं। इस एंटीना ने दोस्तों एफएम रेडियो के बहुत सारे प्रीसेट्स को स्कैन किया है, चलिए इसे 1 by 1 करके सुनते हैं। एफएम रेडियो दोस्तों बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा है, उसके अलावा कोई दूसरी आवाज या नॉइस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम अपने इस एफएम रेडियो एंटीना को डिस्प्लेस करते हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख के चेक करते हैं कि वहाँ पे एफएम रेडियो कितना क्लियर कट हमें सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कितना पावरफुल एफएम रेडियो एंटीना है ये, इसे मैंने अपने टीवी के ऊपर रख दिया फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों ये एफएम रेडियो एंटीना आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर बहुत ही इजी मेकिंग है, नो कॉस्ट एंटीना है ये, जिसे आप घर बैठे ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इस एंटीना को घर के किसी भी कोने में रख के एफएम रेडियो के किसी भी स्टेशन को बहुत ही क्लियर आवाज में आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों एफएम रेडियो आपके पास अवेलेबल है, बट किसी भी रीजन से किसी भी प्रॉब्लम से आप इसे सुन नहीं पा रहे हैं, सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो बनाइए घर बैठे ये एंटीना और सुनिए बहुत ही क्लियर कट आवाज में एफएम रेडियो। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कमेंट के थ्रू मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। ये वीडियो दोस्तों आपको रोचक और जानकारी भरा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।